ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार। ये कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों पर केंद्रित प्रादेशिक समाचार एकांश के हमारे खास कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा। इस लाइव कार्यक्रम में हम एक घंटे तक स्टूडियो में मौजूद अपने राजनीतिक विश्लेषकों के साथ साथ चुनाव परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा प्रदेश भर में फैले हमारे संवाददाता आपको अपने अपने क्षेत्र के पल पल के घटनाक्रम से भी अवगत कराएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार, आप समागम शोध पत्रिका के संपादक हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया, आप जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और न्यूज चैनलों का लोकप्रिय चेहरा भी हैं। हमारे साथ हमारे न्यूज रूम के साथी और समाचार संपादक प्रशांत शर्मा भी हैं, जिन्होंने इन विधानसभा चुनाव को नजदीक से देखा है। आप सभी का स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम जान लेते हैं अब तक के चुनाव परिणामों के बारे में, क्या स्थिति है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, प्रदेश में किसको कितनी बढ़त मिल रही है। इसके लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपा सिंह बिल्कुल ताजा आंकड़ों के साथ। दीपा जी। संजीव जी, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चार राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारी बहुमत हासिल कर लिया, जबकि कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत दर्ज की है। बात की जाए अगर अपने मध्य प्रदेश की, तो भाजपा ने अब तक 45 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुके हैं, जबकि 120 सीटों की अगर बात करें तो खासी बढ़त बनी हुई है। कांग्रेस ने 11 सीटें जीती हैं, वहीं भारत आदिवासी पार्टी को एक सीट मिली है। एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी भी अपनी बढ़त बनाए हुए है। बात करें अगर बुधनी सीट की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ से रिकॉर्ड जीत हासिल की है। 1,05,000 से अधिक मतों से वो चुनाव जीत गए हैं। दिल्ली सीट से भाजपा के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल, इंदौर एक से कैलाश विजयवर्गीय सहित इंदौर की लगभग सभी 9 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए, जबकि छिंदवाड़ा से कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आगे बने हुए हैं। लहार से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह चुनाव हार गए हैं। बात करें अगर रैली से, तो भाजपा के गोपाल भार्गव ने 9वीं बार रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। रीवा से राजेंद्र शुक्ल, खुरई से भूपेंद्र सिंह, शुजालपुर से इंदर सिंह परमार, सांची से प्रभुराम चौधरी, पन्ना से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जबलपुर से अगर बात करें तो राकेश सिंह और रतलाम से चैतन्य कश्यप चुनाव जीत गए हैं। बात करें अगर नेपानगर सीट की, मऊगंज, बड़नगर, काला पीपल सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे हैं। सैलाना में भारत आदिवासी पार्टी ने चुनाव जीता है। जी संजीव जी, ये तो थे चुनाव परिणाम अब तक के ताजा, जो दीपा न्यूज रूम से हमें दे रही थी। अब हम बात करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों के साथ। तो मनोज जी, सबसे पहले आपसे, नतीजे आश्चर्यजनक है या आपकी उम्मीद के अनुरूप है? नतीजा आश्चर्यजनक तो नहीं है, लेकिन इसको माना भी जा सकता है कि जैसे उम्मीद की जा रही थी 130-140 पर जीत हो जाएगी। इसके पीछे कारण ये है कि मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो हमेशा प्रयोग करते रहे। इस बार जैसे उन्होंने सांसदों को मैदान में उतारा, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को उतारा, ये पहली बार हुआ और इसका रिजल्ट मिला। दूसरा, शिवराज जी की विश्वसनीयता और मोदी जी की लोकप्रियता ने इसको इस पैमाने पर पहुंचाया कि हम 165 सीट के आसपास जीत दर्ज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये दिखाया। दूसरा, शिवराज जी की खासियत है वो गेम चेंजर के रूप में आते हैं। 2008 आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री चौपाल के नाम पर लेकर आए और चुनाव जीते। 2013 में लाडली लक्ष्मी लेकर आए और अब 2023 में लाडली बहना ने पूरा का पूरा सीन बदल दिया। दरअसल इसमें शिवराज जी की अपनी मेहनत और पार्टी की सक्रियता के साथ उनका मतदाताओं पर जो यकीन था, इस यकीन ने यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन मानना पड़ेगा कि जितने हमने उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा सीटें हमको भाजपा को मिल रही हैं। सतीश जी, एक तरफा जीत की उम्मीद थी? देखिए, जैसा कि एग्जिट पोल्स में अनुमान जताया गया था, लोग एक बार ही उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, खासकर मध्य प्रदेश के मामले में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। मेरा खुद का भी आकलन ये था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं 130-132 तक अधिकतम सीटों तक पहुंचेगी, लेकिन वो आश्चर्यजनक रूप से लगभग वैसी ही स्थिति में पहुंची है जैसी कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने 174 सीटें जीती थी। हालांकि उस वक्त कांग्रेस की जो दिग्विजय सिंह की सरकार थी, 10 साल का उनका कार्यकाल था, उसको लेकर बहुत जनाक्रोश था, उसके खिलाफ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बम्पर 174 सीटें दी थी। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। 15 महीने अगर हम कमलनाथ के छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी की लगातार 18 वर्षों से सरकार थी, उस तरह से एक एंटी इनकम्बेंसी की एक आशंका थी और कांग्रेस उसी से उम्मीद भी थी।
लेकिन एंटी इनकम्बेंसी कहीं जमीन पर नजर नहीं आई। अलबत्ता ये बात भी सही है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने 2008 और 2013 का चुनाव जीता तो था, लेकिन उनकी सीटें कम हुई थी। तो ऐसा माना गया कि 2018 में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बावजूद बीजेपी कांग्रेस से बहुत पीछे रही और कांग्रेस को बहुमत से एक कम सीट जरूर मिली और सरकार उसने बना ली थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगा कि स्ट्रेटेजिकली न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी, जहां उनकी सरकार नहीं थी, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं किया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि फेस को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है या 2018 में हुई थी, उसको उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया और इसके बाद मोदी का चेहरा आगे किया और मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि मेरा चेहरा सामने है। केंद्र की योजनाएं और मध्य प्रदेश की खासकर लाडली लक्ष्मी योजना, उससे करीब करीब महिलाओं का जो मतदान का प्रतिशत 2% बढ़ा था, वो सीधा ट्रांसफर हुआ भारतीय जनता पार्टी के हक में। और बाकी किसान सम्मान निधि है या मुफ्त अनाज की योजना है और भारत को एक अर्थशक्ति जो बनाया पूरी दुनिया के सामने, उससे युवा वर्ग भी काफ़ी प्रभावित लगा। तो भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगे 2018 की तुलना में तो करीब करीब 6% वोट उनका बढ़ गया। और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लोग, मनोज जी ने भी कहा जैसे कि, और मैंने भी, कि ये इतनी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी को 164 सीटें मिल जाएंगी और कांग्रेस तो एक तरह से सदमे में है। और अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री और उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमारे साथ, जैसे कि हम बता रहे थे कि प्रदेश भर से संवाददाता जुड़े हैं जो समय समय पर अपने क्षेत्र का पल पल का हाल देंगे, तो अभी ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। हाँ नवीन जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, या अब बताइए, ग्वालियर चंबल आपका रीजन बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र था भाजपा के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से, कैसी स्थिति है वहाँ, क्या बता परिणाम वहाँ क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट जीत ली है, तो अन्य 5 सीटों में से 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। भितरवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह राठौड़ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के लाखन सिंह यादव को 22,354 मतों से शिकस्त दी है। जिले की डबरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी की इमरती देवी से मात्र 348 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं 15 ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के सुनील शर्मा से 14,678 मतों की बड़ी बढ़त बनाकर जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। 16 ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के डॉक्टर सतीश सिकरवार भाजपा के निकटतम प्रतिद्वंद्वी माया सिंह से 5,500 मतों से आगे चल रहे हैं। ग्वालियर दक्षिण की बात की जाए तो यहां से भाजपा के नारायण सिंह कुशवाहा बढ़त बनाए हुए हैं। वे कांग्रेस के प्रवीण पाठक से 5,825 मतों से आगे चल रहे हैं। जी संजीव जी। नवीन, आप लगातार क्षेत्र को कवर कर रहे हैं और इस चुनाव में सिंधिया फैक्टर या चंबल, ग्वालियर, ये पूरा बेल्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका, तो आप क्या देखते हैं इन परिणामों के पीछे के कारण, आपको क्या नजर आते हैं? देखिए, इन परिणामों के पीछे मुख्य बात ऐसी नजर आ रही है कि जो योजनाएं चलाई गई बाद में सरकार के द्वारा, कुछ उसका असर भी नजर आता है इस पे। बाकी ये देखना होगा कि जो कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है 2 सीटों पर, क्या वहां पे भी जीत हासिल कर पाती है या नहीं। शुक्रिया नवीन, हम आपके साथ फिर बात करेंगे। ये थे नवीन श्रीवास्तव, ग्वालियर से जानकारी दे रहे थे, ताजा चुनाव परिणामों के साथ हमसे जुड़े थे। हमारे साथ प्रशांत शर्मा भी मौजूद हैं, समाचार संपादक हैं, उनसे भी जानते हैं। प्रशांत, मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने भी चौंकाया है, आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, मध्य प्रदेश के साथ जो एग्जिट पोल जितने भी आए थे, आपने देखा होगा, सब में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जीत बताई जा रही थी और राजस्थान में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त ली है, वो सचमुच चौंकाने वाला है। मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ जो मुद्दे थे जिनके कारण कांग्रेस आई थी, या उन मुद्दों को हल सही तरीके से पिछले 5 साल में नहीं कर पाई, और कुछ उनके आपसी लड़ाई भी जो एक बड़ा कारण रही है। इसके साथ ही मोदी जी का जो वहाँ पर जाके जो सभाएं करना है, उनका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। राजस्थान में तो आप जानती हैं कि एक रिवाज है, हर 5 साल में वहाँ सरकारें बदल जाती है और वही रिवाज इस बार भी कायम रहा। कहीं ना कहीं वहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो आपसी लड़ाई थी, जो पिछले 5 साल
चलती रही उसने भी कहीं ना कहीं अपना असर दिखाया है। तो मुझे लगता है कि चौंकाने वाले परिणाम तो हैं लेकिन अप्रत्याशित नहीं है। लोगों को इस बारे में अंदाजा था कि ये दोनों ही जगहों पर कांग्रेस उस तरीके से पिछले 5 साल में काम नहीं कर पाए जिस तरीके से लोगों ने आशा करके उन्हें पिछली बार सत्ता सौंपी थी। सतीश जी, आप तो पिछले कई चुनाव आपने लगातार कवर किए हैं और आप जानते हैं हम लोग विश्लेषण भी समय समय पर करते रहे कि आधे परसेंट से चीजें बदल जाती हैं। इस बार भाजपा का वोट प्रतिशत 49% के आसपास करीब 49% तक पहुंच गया है। एक तो एकाएक वोट प्रतिशत में अपोजिशन की तुलना में 8-9% की वृद्धि को आप कैसे देखते हैं और क्या वजह आपको लगती है इस जीत की? देखिए 2018 के बरक्स अगर हम बात करें तो 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की तुलना में 0.23% ज़्यादा वोट मिला था लेकिन सीटें उनकी कम थी। तो आधे परसेंट से भी कम, मतलब कहते हैं कि 34% कह सकते हैं, वो उतना ज़्यादा मिलने के बाद भी सीटें कम थी। तो एक फीसदी के मार्जिन में और उसके पहले 2003 के पहले जो मध्य प्रदेश में चुनाव होते थे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 1-3% तक का अंतर रहता था और सरकार बदल जाती थी, मतलब विपक्ष बराबर की भूमिका में रहता था। 2003 में ये अंतर 8.5% के आसपास पहुंच गया और आज हम देख रहे हैं कि वो उस 8.5% के बराबर पे या उससे आगे जा रहा है। मुझे लगता है कि इसके 2-3 फैक्टर हैं। एक तो ये है कि चुनाव आयोग ने जो मतदान प्रतिशत बढ़ाने का जो अभियान चलाया लगातार उसका भी असर हुआ कि मतदान का प्रतिशत इस बार कुछ भोपाल जैसे शहरी क्षेत्रों को छोड़ दें राजधानी को तो ज़्यादातर जगह बालाघाट जैसे क्षेत्रों में भी 85% तक वोटिंग हुई है। तो ज़्यादा प्रतिशत मतदान होने का भी कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और दूसरा ये जो लाडली बहना योजना की हम लगातार बात कर रहे हैं वो साफ दिख रहा था मतदान वाले दिन कि महिलाओं ने स्वतः स्फूर्त, सामान्य तौर पर यह होता है कि महिलाएं दोपहर के बाद मतदान करने जाती थी शहरों में और गांव में भी, इस बार वो सुबह के वक्त में भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिख रही थी। एक मतदान केंद्र पर मैं गया था तो वहाँ दोपहर में 12 बजे तक 200 पुरुषों ने मतदान किया था और 321 महिलाएं वोट डाल चुकी थी। तो ये एक बहुत चौंकाने वाली बात थी, महिलाएं वोट डालने आ रही हैं और उसमें महिला सशक्तिकरण की न केवल लाडली बहना तो बहुत बाद में आई है, 6 महीने उसके हुए हैं, लेकिन इसके पहले की जो महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हैं खासकर नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई है केंद्र सरकार में तब से वो लगातार महिलाओं को एम्पावरमेंट करने की बात है। वो यहाँ तक कि महिलाओं का आरक्षण का बिल भी जो सदियों से जिसको कहते हैं कि दशकों से लंबित था वो तक पारित हो गया। तो महिला वुमन एम्पावरमेंट का इसमें बड़ा एक रोल है। दूसरा जो किसान सम्मान निधि है या और भी योजनाएं और कांग्रेस पे उन्होंने भरोसा नहीं किया। जैसे एक बहुत बड़ी मुझे ऐसा लग रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बहुत असर उसका रहेगा, कर्मचारी नाराज लग रहे हैं और कमलनाथ ने ये कहा था मध्य प्रदेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि हम आएंगे सत्ता में तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और यही स्थिति राजस्थान में भी थी लेकिन उसका फायदा उनको नहीं हुआ कांग्रेस को। और दूसरी एक और बहुत बड़ी अच्छी बात इस चुनाव से सामने आ रही है कि कांग्रेस ने लगातार न केवल मध्य प्रदेश में राजस्थान में छत्तीसगढ़ में तमाम जगह जातिगत जनगणना की बात को लगातार उठाया। एक तरह से समाज को जो जातियों में बांटने की बात है उस तरह की राजनीति उन्होंने की लेकिन जनता में उसका असर नहीं दिखा। लोगों ने जातिगत जनगणना के बजाय जातिगत विभाजन के बजाय जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद की जो मोदी की योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है या इवन लाडली बहना योजना भी है तो उसमें जाति का कोई आधार नहीं है। तो लोगों ने इससे ऊपर उठ के मतदान किया और मतदान ज़्यादा हुआ और वो भाजपा के फेवर में भी गया। तो राजनीतिक दलों को कम से कम ये जरूर अब सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को भी अपनी रणनीति पर सोचना पड़ेगा कि वो बांटने वाली राजनीति करनी है या जोड़ने वाली राजनीति करनी है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ अच्छा भी रहा है, कुछ गलत नहीं हुआ है या कोई मुद्दे ऐसे नहीं थे जिन पर सरकार को नहीं घेरा जा सकता हो, लेकिन कांग्रेस को ये लग रहा था कि एक स्वतः जो जनता की नाराजगी होगी और हमको वोट मिल जाएगा तो वो नहीं हुआ। दूसरा कांग्रेस का जो पूरा पैटर्न था प्रत्याशी चयन का पैटर्न हो, उसका चुनाव प्रचार का जो तरीका था वो 2018 ही जैसा था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से स्ट्रेटेजी बदली। जैसा कि हमने शुरुआत में भी बात की कि केंद्रीय मंत्रियों को सांसदों को या राष्ट्रीय महासचिव को भी चुनाव में उतारा जैसे मनोज जी कह रहे थे, वो एक रणनीति थी। वो एकाध फग्गन सिंह कुलस्ते का हम छोड़ दें तो बाकी लगभग मतलब वो एक सफल रणनीति उनकी वो रही, उससे उसका असर दिख रहा है। फिर प्रधानमंत्री ने खुद कमान संभाली या गृहमंत्री जो हैं उन्होंने रणनीतिक जो वो है एंड टाइम पे उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ प्रभारी बनाया, जैसे अश्विनी वैष्णव जैसे मंत्री को उन्होंने प्रभारी बनाया जो घाटी राजनीतिज्ञ नहीं है
एक एक उनका स्पेशलाइजेशन उस तरह से राजनीतिक व्यक्ति वो नहीं है, लेकिन उनके आने से उनका उनकी उपस्थिति का असर दिखा भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसमें पिछले दो लोकसभा चुनावों में भी, विधानसभा चुनाव में भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दो नेता इस बार फिर वो दिख रहे थे, अजय सिंह कहीं नहीं नजर आ रहे थे, और बाकी के जो नेता हैं सिंधिया तो माइनस हो ही गए थे। तो कांग्रेस ने अपनी रणनीति किसी भी लेवल पर 2018 के चुनाव से भिन्न नहीं रखी और उसका उनको खामियाजा उठाना पड़ा। अन्यथा कांग्रेस चाहती तो और अच्छी पोजीशन में आ सकती थी। जो स्थिति उसकी इसकी बनी है, हम जो देख रहे हैं नतीजे में 64 पे वो कहीं थमती दिख रही है, तो और अच्छी स्थिति हो सकती थी। और भाजपा, जैसा कि हम मनोज जी ने भी कहा और मेरी भी एक राय थी कि भाजपा सरकार बना तो लेगी लेकिन इतनी सीटों पे पहुंच जाएगी, इसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को भी धन्यवाद देना चाहिए कि हमको इस सीट तक उन्होंने पहुंचा दिया 165 सीटों तक। जनता के अलावा कांग्रेस की जो रणनीतिक फेलियर है उसका भी एक बड़ा रोल मुझे लगता है इसमें। जैसा कि हम लोग भी कह रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनल भी कह रहे हैं, सभी पत्रकार मान रहे हैं कि महिलाओं का और खासकर लाडली बहनों का बड़ा योगदान है सरकार बदलने में या सरकार बनाने में। तो आइए जानते हैं इस पूरी योजना के जो जन्मदाता हैं, जो पैरोकार हैं, इसको अमली जामा पहनाने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान खुद क्या कह रहे हैं इस अपनी योजना के बारे में, इस सफलता के बारे में? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, मुकुट मणि है, वो एमपी के मन में भी है, वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया। मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ, हमारे मार्गदर्शक कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी, उनकी रणनीति जगत का नड्डा जी का हमें प्राप्त मार्गदर्शन, आदरणीय शिवप्रकाश जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय अश्विनी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी सहित सभी कार्यकर्ताओं ने और हम सब नेताओं ने मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ काम किया, फिर से भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है। ये मध्य प्रदेश शिवराज जी ने भी वही कहा जो बहुत समय से प्रदेश में चर्चा चल रही थी, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश। मनोज जी, क्या जनता ने भी भाजपा के इस नारे को स्वीकार कर लिया? इसमें तीन चार चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि शिवराज जी एकमात्र ऐसे लीडर के रूप में मध्य प्रदेश जब बना है 1956 से लेकर, ऐसे नेता आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनका आम आदमी से लगाव, वो कहाँ धूल में बैठ रहे हैं, किसके गले मिल रहे हैं, किस टपरी पे चाय पी रहे हैं, किस पे हाथ रख रहे हैं, ये लोगों को अपनापन बनाता है। क्योंकि आपको पता ही है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं दर्शन शास्त्र में, तो उनका दर्शन बहुत अलग तरह का है, वो जीवन में भी है और राजनीति में भी है, इसको लेकर वो चलते हैं। जो डबल इंजन की सरकार है, और जैसा कि अभी सतीश जी ने कहा कि जातिगत मामले को लेकर, तो मोदी जी ने उसका एक तोड़ निकाला, एक लाइन में कहा जाति नहीं हमारे लिए गरीब हैं, और गरीब का जो नारा चला गया वो पिछड़ा वर्ग या दूसरी जो जाति की बात कर रहे थे कांग्रेस वाले, वो पीछे रह गए। तीसरी बात, यहाँ पर कांग्रेस अतिरेक में थी कि उसे लग रहा था कि किसी भी कारण से। मनोज जी आपको एक मिनट के लिए रोकते हैं, हमारे साथ इंदौर से मनिंद्र कुमार जुड़े, दुबे हमारे संवाददाता है, वो जुड़ गए। मनिंद्र से जानते हैं इंदौर मालवा बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र चुनाव के लिहाज से, वहाँ क्या है ताजा चुनाव परिणाम? मनिंद्र जी सर बताइए, आपके यहाँ क्या हालात हैं इस समय, कैसे हैं ताजा चुनाव परिणाम? सर अभी जो सुबह से 8 बजे से जो मतगणना शुरू हुई थी, इंदौर जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं जिसमें कि 5 विधानसभा सीटें शहर की है, इंदौर 1 से लेकर इंदौर 5 तक, और 4 ग्रामीण क्षेत्रों की विधानसभा सीट है। अब तक 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, हालांकि अभी अधिकृत परिणामों की घोषणा होना बाकी है। लेकिन यहाँ इंदौर जिले में चुनाव विशेष इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर दो राज्य सरकार में जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, ये चुनाव मैदान में थे। और इंदौर एक से भी कैलाश विजयवर्गीय फिलहाल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजय शुक्ला, जो कि कांग्रेस के वर्तमान विधायक भी है, और ये बड़ा रोचक मुकाबला था। फिलहाल अभी आगे चल रहे हैं, 20 राउंड में से 15 राउंड की गणना हो चुकी है और 45,798 मतों से अभी लीड बनाए हुए हैं अभी, और आगे गणना जारी है।
इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक महू विधानसभा जहां पर की केंद्रीय हमारे वर्तमान सरकार की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर चुनाव मैदान में थी और उन्होंने उनके साथ जो प्रतिद्वंदिता थी वो अंतर सिंह दरबार की जो कि निर्दलीय थे, जो कांग्रेस से थे, जिन्हें टिकट नहीं मिला और निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ तीसरे स्थान पर रहे और उषा ठाकुर ने यहाँ पर जीत हासिल की है। और इसके अलावा राव विधानसभा सीट, ये मुकाबला भी बड़ा रोचक था क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनाव मैदान में थे और फिलहाल अभी 23 राउंड में इनमें गणना होना है जिसमें 22 राउंड की गणना चल रही है। फिलहाल मधु वर्मा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतू पटवारी से 34,373 वोटों से आगे चल रहे हैं और तुलसीराम सिलावट जो कि वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं फिलहाल वहां पर 20 राउंड में से 18 राउंड की गणना हो चुकी है और वे 62,691 वोटों से निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की रीना बोरा से उनसे आगे चल रहे हैं। मनिंद्र, मालवा शुरू से ही बहुत कई सालों से भाजपा का एक तरह से गढ़ माना जाता है, भाजपा समर्थक है, इस बार मालवा के लोगों ने और भी खुलकर भाजपा का साथ दिया है। आप भी बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं मालवा के समर्थन को? सर मुझे इसमें ऐसा लगता है कि इस बार इंदौर के ऊपर जो विशेष तौर से फोकस रहा राज्य सरकार की मेट्रो ट्रेन और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जो विशेष ध्यान दिया उसने भी मतदाता का जो मानस है वो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ किया है। और हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हम देखें तो ये जो लाडली बहना योजना जो अंतिम क्षणों में जो सरकार लाई थी तो उसका भी एक बहुत बड़ा व्यापक समर्थन जो है महिलाओं का वो सरकार को मिला, इसलिए ये जो जीत का अंतर है इस बार यदि सीटों पर जीत का अंतर भी देखें तो विशेष तौर से इंदौर की सारी सीटों पर जीत का अंतर भी बड़ा है। शुक्रिया मनिंद्र, आप नजर रखिए मालवा की राजनीति पर। वापस हम स्टूडियो लौटते हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, बड़ा सक्सेसफुल नारा रहा भाजपा के लिए। ये इसी नारे ने तो लोगों का मन पलट दिया है। आपको ध्यान होगा कि जब भाजपा का विस्तार होना शुरू हुआ तो उसको शहरी पार्टी माना जाता था, लेकिन पिछले 20 साल में जो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है उसने ग्रामीण अंचलों में किया और ये जो आज रिजल्ट देख रहे हैं ग्रामीण अंचलों की वजह से ये जीत भाजपा को बम्पर मिली हुई है। शहरी इलाका का अपना है, लेकिन इसके साथ की एक राजनीति में कहते हैं सामाजिक सौहार्द की बात, लेकिन जो विनम्रता की बात है वो शिवराज जी से देखेंगे। अभी वो अपने भाषण में कह रहे थे हर नेता का, हर पार्टी के अपने पदाधिकारी का वो आभार मान रहे थे। इतनी विनम्रता जो शिवराज जी के साथ है वो उनको हर आदमी को अपना बनाती है। जो डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार के साथ दोनों के जो सामंजस्य है मोदी जी और शिवराज जी के साथ, जो मध्य प्रदेश में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश कह रहे हैं वो इसी का परिणाम है। शिवराज जी हमेशा अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं और चुनाव के आखिरी समय में खोलते हैं, जो इस समय लाडली बहना के तौर पे किया। अगर ये स्कीम चली आती, इसकी स्कीम के एवज में कांग्रेस ने नारी सम्मान लेकर आए, वो दरअसल एक नकली जैसा लगा लोगों को कि जो है नहीं, और लोगों के मन में एक भय था कि पिछला जो 2018 में था उन्होंने देख लिया था कि बहुत सारी मध्य प्रदेश शासन की जो स्कीम थी वो बंद कर दी गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार कांग्रेस की आ गई तो बंद कर देगी तो महिलाओं का नुकसान हो जाएगा। ये एक डर भी वोट प्रतिशत में बदला है। तो इस तरह से जो आप देखेंगे ना, मोदी और शिवराज की जोड़ी, उस पर शाह की रणनीति, इस सब ने मिलकर पूरा सीन बदल दिया और जितने एग्जिट पोल या जो भी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे उससे इतर चुनाव परिणाम आए। प्रशांत, हम लोग न्यूज़ रूम में बात भी करते रहे हैं और इवन आज जब चुनाव परिणाम आ रहे थे तब भी हम लोग बात कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, कि कर्मचारियों में कहीं ना कहीं इसका एक आकर्षण भी था कि शायद ये अगर कांग्रेस लौटती है तो वापस आ जाए। और प्रदेश में करीब 3.25 लाख सर्विस वोटर्स ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया था, शुरू में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही थी, तो मतलब मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि शायद कर्मचारियों ने कुछ हद तक इस स्कीम के चलते कांग्रेस को समर्थन किया, बाद में जब वैलेट बॉक्स ईवीएम जब खुलनी शुरू हुई तो फिर चीजें बदलनी शुरू हो गई। आप कैसे देखते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो कांग्रेस का आश्वासन था वो काम नहीं कर पाया? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुझे ऐसा लगता है कि जो राज्यों में जहाँ पर इसके लिए पहले से कांग्रेस ने कहा था वहाँ भी काफ़ी परेशानियाँ हुई हैं वापस इसको लागू करने में, क्योंकि इसमें जो PFRDA का रोल है, जो केंद्र सरकार का रोल है, क्योंकि पैसा वहाँ जमा होता है, अभी तक जो जमा है वो कैसे मिलेगा, और वो उसमें काफ़ी सारी कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं और वो इतना आसानी से हल होने वाला चीज़ नहीं है।
फिर एक ये एक बड़ा ही उनके लगा कि एक छोटा मुद्दा है, और एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम को लेकर भी दो अलग अलग मत हैं। किसी का कहना है कि इसमें आपको जब आप रिटायर होते हैं तो ज्यादा राशि मिलती है, पहले इतनी नहीं मिलती थी क्योंकि जीपीएफ वगैरह में उतना नहीं होता, ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है तो ज्यादा पैसा मिलता है। उसमें यह था कि आपको जीवन भर पेंशन मिलती, इसमें उनका लॉजिक ये होता है कि उस पैसे को आप जमा करके पेंशन ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरी बात यह है कि एक जो आत्मविश्वास भाजपा की सरकार में, खासकर केंद्र सरकार के आने से युवाओं में हुआ है, लोग ये चाहते हैं कि कहीं उस आत्मविश्वास में, उस जो एक छवि भारत की बन रही है उसमें रुकावट नहीं आए। इसके लिए वे चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार को ये लगी रहा है कि लोकसभा चुनाव में वापस भाजपा आएगी, तो वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई दूसरी सरकार आए और उस विकास की जो जो धारा बह रही है वो कहीं उसमें रुकावट हो। संजीव जी, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसमें एक पेच ये भी है कि ये युवा भारत है, तो युवा भारत वो पुराने पैटर्न में जाने के बजाय नए तरीके से देखता है कि उसके साथ कितने पैसे हाथ में आ रहे हैं, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा और कितना अधिक मिलेगा, इसकी वजह से भी। और दूसरा, कांग्रेस ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को उस तरह से प्रसार नहीं किया, उस तरह से कर्मचारियों के बीच जाकर बात नहीं की, तो उसका भी उनको नुकसान उठाना पड़ा है। युवा भारत की बात कर रहे हैं तो युवा नेता सिंधिया की भूमिका 2018 के में सरकार बनाने में भी बड़ी महत्वपूर्ण थी, और इस बार भी जिस तरह से ग्वालियर, भिंड, चंबल क्षेत्र के परिणाम आ रहे हैं उससे पता लग रहा है कि उनकी भूमिका काफ़ी सरकार में बढ़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस जीत के ऊपर क्या कह रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की एक एक जन जनता जनार्दन सभी को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि पूर्ण विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितेशी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। सतीश जी, सिंधिया जी ने भी कहा कि कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ता की बड़ी भूमिका थी, और हम अगर देखें भाजपा की रणनीति तो खुद प्रधानमंत्री ने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बात की थी, भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था, उसके अलावा अमित शाह भी कई जगह जाके उन्होंने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया, इवन पन्ना प्रभारी जैसे कार्यकर्ताओं से बात हुई। तो आप क्या देखते हैं, कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने का फायदा मिला भाजपा को? निश्चित रूप से। एक और मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा, बीच में एक बात ये भी आई थी कि जो कई असंतुष्ट लोग थे उनको समझाने में भी बड़ी भूमिका निभाई, और खासकर जैसे ये कहा गया कि धीरज पटेलिया कोई इतने बड़े नेता नहीं है जिनसे अमित शाह ने आधा घंटे अलग से बात की उनको मनाने के लिए। इसको कुछ लोगों ने संगठन में अच्छे तरह से नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ये अमित शाह को बात करनी पड़ रही आधा घंटे, लेकिन वो ये इस तरह की जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी वो सब करती है जो कोई कल्पना के अतीत होता है। एक प्रत्याशी, एक बागी, एक व्यक्ति जो पहले बागी हो चुका है 2018 में, इस बार फिर वो उस तरफ जा रहा है, तो उसको चूंकि उनको उनको ये पता है कि ये हमारा कार्यकर्ता है, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, पहले एबीवीपी में रहा है और हमारे ही संगठन में पला बड़ा व्यक्ति है और वो बगावत की मुद्रा में है, तो उससे हमें बात करनी चाहिए। असल में आप कार्यकर्ताओं को कितना सहेजते हैं, कार्यकर्ता अगर अलग थलग महसूस करेगा तो आपकी कोई भी घोषणा पत्र आपको जीत नहीं दिला सकता। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में एक काम ये भी किया कि जो असंतुष्ट कार्यकर्ता था या जो आकांक्षी था टिकट का और उसको टिकट नहीं मिला, उसको भी समझाने और मनाने की कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक उनको सफलता भी मिली। तो ये एक रणनीतिक है। और अमित शाह ने अलग अलग जगह बैठक की, पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ कि अमित शाह जैसे व्यक्ति ने जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने पूरी रणनीति बनाई, अलग अलग जगह बैठक की, भोपाल में भी की, और तमाम बिल्कुल जमीनी कागज पर जो काम किया वो अद्भुत है। और मध्य प्रदेश की सफलता जो है मध्य प्रदेश में भाजपा की, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी आज एक राष्ट्रीय स्तर की और बड़ी पार्टी बन गई और ज्यादा राज्यों में सरकार है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। लेकिन मध्य प्रदेश में जनसंघ के जमाने से संगठन अगर किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सर्वाधिक मजबूत रहा है वो आज भी साबित हो गया। अगर आपने अपने ठीक से पकड़ लिया,
मध्य प्रदेश में भाजपा की ये जीत 2024 में नरेंद्र मोदी और भाजपा की सुनिश्चित जीत का एक पूर्व पीठिका हम इसको कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के इस चुनाव को 2024 के चुनाव की तरह ही लड़ा और जीता है, और कांग्रेस ने इसको 2024 की पूर्व तैयारी की तरह तो लिया लेकिन उस तरह से लड़ा नहीं जैसे 2024 का लड़ना चाहिए। अब आप देखेंगे तो उनके जो बड़े नेता कहे जाते हैं उनकी पार्टी में, प्रियंका गांधी वाड्रा आ गई एक दो बार, आके चली गई, राहुल गांधी आ गए, खड़गे जी आ गए, लेकिन उनका उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि उनका सिर्फ आना भर है और आके चले जाना है। उनके आने के पहले की जो तैयारी होती है, उनके जाने के बाद पर जो हिकमत अमली होती है, जो फैसले होते हैं, अमित शाह आए इतना भर काफ़ी नहीं, उनके आने के पहले की तैयारी है, उनके जाने के जो वो बता के गए हैं उसकी वो तो तैयारी है, और फिर उसकी जो समीक्षा है। संगठन इस तरह से काम करता है, तो संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी 24/7 जो काम करती रहती है राजनीतिक रूप से, उसका फायदा उसको मिला है। और कांग्रेस जैसा कि आज हम कह रहे हैं कि आज नतीजे जैसे भी आए हों, लोकतंत्र में खुले मन से उसको स्वीकार करना चाहिए, प्रवक्ता तो उनके स्वीकार कर रहे हैं लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ उस तरह से स्वीकार करने के लिए जनता के बीच में उनको अब आना चाहिए लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं शाम तक। तो आगे आपको लड़ाई लड़नी है, आगे जाके चुनाव के मैदान में जाना, जनता के बीच में जाना, तो उस तरह से करना पड़ेगा। और एक बात और भी है, जैसे लाडली बहना की योजना है, तो उन्होंने नारी सम्मान की बात कही जरूर, लेकिन एक योजना आपके खाते में पैसे हर महीने आ रहे हैं और एक वादा है, तो लोग जो मिल रहा है उस पर भरोसा करते हैं, वादे पर शायद कम भरोसा करते हैं, ये साबित हो गया। महाकौशल आज़ादी के बाद से अब तक लगातार देश की राजनीति में बड़ी सक्रिय भूमिका में रहा है, तो महाकौशल से हमारे साथ सुरभि तिवारी जबलपुर से जुड़ रही हैं, वो बताएंगी महाकौशल का हाल। सुरभि जी, जी सर, कैसी है आपके यहाँ स्थिति, क्या कौन हार रहा है कौन जीत रहा है? मैं आपको बता दूं कि जबलपुर जिले में महाकौशल में तो भाजपा ने जीत का परचम लहरा ही दिया है। जबलपुर जिले की सभी 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है जी। हाँ सुरभि, एक सीट कैसे छूट गई? और ये कांग्रेस की ही सीट मानी जाती है, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है ये, और यहाँ पर अक्सर कांग्रेस का ही कब्जा माना जा रहा है, लंबे समय से कांग्रेस ही काबिज है यहाँ पर। आप लंबे समय से कवर कर रही हैं, बीच में बताया जा रहा था कि राकेश सिंह के लिए चुनाव बड़ा टफ हो सकता है, तरुण भनोट बहुत अच्छी पोजीशन में माने जा रहे थे, लेकिन बाजी बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है। बिल्कुल 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 रोचक मुकाबला हो गया था, और ये माना जा रहा था कि तरुण भानोट और राकेश सिंह के बीच कांटे की टक्कर और रहेगी, देखा भी बिल्कुल यही माना जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि राकेश सिंह के लिए शायद ये पश्चिम विधानसभा सीट मतलब ये निर्णायक साबित होगी, और वाकई में निर्णायक ही साबित हुई। आज राकेश सिंह ने शानदार जीत हासिल की है, वहीं तरुण भानोट को काफी झटका लगा है, उन्हें काफी उम्मीदें थी कांग्रेस को इस सीट पर, पूरी अंधा विश्वास था कि तरुण भानोट ही इस सीट पर दोबारा काबिज होंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि भाजपा आला कमान की जो रणनीति थी सांसद राकेश सिंह को उतारने की, वो कामयाब रही। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भाजपा आला कमान की जो रणनीतियां थी पूरी कामयाब सिद्ध होती नजर आई है। यहाँ पर उत्तर मध्य विधानसभा सीट में भी यही हालात निर्मित हुए थे, टिकट वितरण के साथ ही वहाँ पर काफी विवादित हो गई थी वो टीम वहाँ पर, और उसमें ये हुआ था कि वहाँ पर बाहरी प्रत्याशी को दूसरे विधानसभा में उतारा गया था, नया प्रत्याशी है अभिलाष पांडे को पश्चिम विधानसभा के थे, जिन्हें उत्तर मध्य से उतारा गया, वहाँ पर काफी विवाद हो गया था, ये देखा जा रहा था कि शायद भाजपा की ये सीट जा सकती है, लेकिन आज वहां पर फिर से मतलब दोबारा भाजपा ने वहां पर जीत का परचम लहराया, इससे पहले कांग्रेस के पास थी वो सीट। सुरभि, छात्र राजनीति से ही लखन घनघोरिया और सोनकर जी के बीच में राजनीतिक अदावत चलती रही है, और अक्सर कभी कोई तो कभी कोई जीतता रहा है, इस बार फिर लखन घनघोरिया भारी पड़ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, छात्र राजनीति से ही लखन घनघोरिया मतलब अच्छे नेताओं में इनकी गिनती आती रही है, और अंचल सोनकर और इनके बीच काफी मतलब विवाद की स्थितियां निर्मित रहती है, एक ही इलाके के हैं और छात्र नेता से दोनों साथी भी रहे हैं, तो इनके बीच तो विवाद की स्थिति हमेशा ही रही है सर। शुक्रिया सुरभि, आपसे फिर बात करेंगे। जैसे कि सुरभि बता रही थी कि युवा नेता बड़े आगे रहे और काम करते रहे, अब प्रदेश की बात करें तो करीब 2-2.5 महीने पहले ऐसे हालात थे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की हवा चल रही है, कई सर्वे आने लगे थे कि 75 पे भाजपा, शायद 70-75 सीट मिलेंगी और कांग्रेस बहुमत ले जाएगी,
तो दो ढाई महीने में ऐसा क्या घटा या भाजपा ने ऐसा क्या किया कि चुनाव की हवा ही बदल गई? इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो शिवराज जी की बात करेंगे, सत्ता विरोधी लहर को वो पलटने में हमेशा से कामयाब रहे हैं। पिछले 2008 का देख लीजिए, 2013 का देख लीजिए, 2018 में वो थोड़ा सा अंतर से वो हारे चुनाव, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी हार नहीं थी। और 2023 में तो उन्होंने पूरा सीन ही पलट दिया। दरअसल भाजपा की जो रणनीति होती है वो इतनी गोपनीय होती है, वो बताते हैं उत्तर और जाते हैं दक्षिण, तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। कांग्रेस के साथ उल्टा होता है, उनकी हर रणनीति सड़क पर आ जाती है। और इसकी वजह से ये जो सर्वे वगैरह थे ये कहीं नियोजित प्रायोजित तो नहीं थी। जो ये बता रहे थे कि कांग्रेस जीता, कांग्रेस इस गुमान में आ गई कि हम जीत रहे तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत। जैसा कि सतीश जी ने कहा कि जो प्रियंका आई, राहुल गांधी आए, इनके भाषणों की तैयारी देखिए, इनके पास भाषणों की तैयारी नहीं थी। वो क्या बोल रहे हैं उनको कुछ को पता नहीं था, जबकि मोदी, शाह, नड्डा या उनके और भी नेता जो आते थे इतने सदैव ये बोलते थे, वो सीधे आम आदमी को अपने साथ जोड़ते थे। उसका असर भी देखने को मिला है। अब कोई कहे कि कितने साल वनवास में रहे राम जी और वो ठीक से बता ना पाए हिंदुस्तान के होने के बाद, तो ये अपने आप में लोगों को लगता है यार ये अपने बीच के नहीं है। लेकिन जब वही शिवराज जी कहते हैं एक चौपाई बोलकर, तो लोग अपना मान लेते हैं। और इसका फर्क यूथ से लेकर वो 80 साल के बुजुर्ग तक पड़ा। आप देखिए वोटिंग के परसेंटेज में कितने वृद्ध जन आके वोट देकर गए। और इसमें चुनाव आयोग का भी धन्यवाद करना किया जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसी सुविधाएं दी कि अधिक से अधिक लोग वोट आ। तो इसमें कुछ परसेंट जो बढ़े हैं ना, इसमें चुनाव आयोग का बहुत बड़ा रोल है जागरूकता के साथ उनको सुविधाएं करने का। तो यूथ का मन बदल गया है। अब यूथ वो ट्रेडिशनल नहीं जाना चाहता है जो वर्षों से चला आ रहा है। वो नए भारत को देख रहा है, नए भारत के निर्माण की तरफ देख रहा है और नई योजनाओं के साथ वो अपने नए भविष्य को देख रहा है। ये जैसा आपने कहा कि प्रियंका और राहुल क्या बोल जाते थे उनको पता नहीं होता था, तो इस एक बार अनुराग ठाकुर यहाँ प्रचार के लिए आए थे, सूचना प्रसारण मंत्री, और हम लोगों ने उनसे बात की, उनसे पूछा कि प्रियंका गांधी कह रही कि उनके पास शिवराज सरकार के खिलाफ आरोपों का पूरा कच्चा चिट्ठा है, पर्ची है, वो कभी भी खोल सकती हैं। तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो तो पर्ची वाले नेता हैं, उनसे वो लोग पढ़ें तो हो सकता है वो भूपेश बघेल के खिलाफ हो, उसी को पढ़ डालें। तो मतलब ये जो कह सकते हैं कि उनके अनुभव है, और सच बात है छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम, वो आप सही कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में उन्होंने कह दिया था कि ये खड़े, ये भ्रष्टाचार का, इन्होंने मुख्यमंत्री कैसा भ्रष्टाचार करते उदाहरण खड़े भूपेश बघेल के बारे में मंच से बोल दिया। तो गोबर में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको गिना दिया था अमित शाह ने, कि बोले मैं तो जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि गोबर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो वहां पर जो छत्तीसगढ़ की जो हार है कांग्रेस की, उसमें कई सारे ये जो भ्रष्टाचार थे जो दिख नहीं रहे थे, वो अंडर करंट की तरह काम किए। और इसलिए भाजपा, कांग्रेस की सरकार जो है वो इतने, मतलब लग रहा था कि सबको कि कांग्रेस तो आ गई, लेकिन परिणाम कुछ और है। तो ये जो अंडर करंट काम कर रहा था, ये भ्रष्टाचार की चीजें, वो एक मुद्दा है। प्रशांत, आप कैसे देखते हैं, क्या कांग्रेस के नेताओं की अपरिपक्वता, मतलब भाषणों में कहें, राजनीति में कहें, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ी? नहीं, बिल्कुल। इसमें देखिए ये होता है कि चुनाव कोई भी हो उसमें एक होमवर्क बहुत जरूरी होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस राज्य में जा रहे हैं, किस क्षेत्र में आप सभा कर रहे हैं, किस वर्ग को आप संबोधित कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई बात करें, उसके जुड़े मुद्दों को आप बताएं, आप थोड़ा सा होमवर्क करें। यही कांग्रेस को भी चाहिए था कि वो सभा आने के पहले, जैसे सतीश जी ने कहा कि पहले भी एक होमवर्क होता है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, केवल उस वक्त आना। और एक ऐसा लगता था कई बार कि वो स्पीच जो है, जैसे हम लोग तात्कालिक भाषण कहते हैं ना, एक्सटेम्पो है, वहाँ आए और जो उन्हें समझ में आया वो बोल दिया, इस तरह से नहीं होता है। एक जो हम लोग, जैसे संजीव जी आप जानते हैं, कम्युनिकेशन में एक जो होता है कि एजेंडा सेटिंग मॉडल होता है, कि हम जो एजेंडा सेट करें उसको लोग हम समझें, ना कि हम जाएं और जनता ने वहां पर जो लग रहा है उसी हिसाब से कुछ बोल दिया। आप देखिए मोदी जी को आप या शिवराज जी को, ये एक लाइन पे चले पूरे टाइम, उसी पे रहे। लोगों ने काफ़ी इनको क्रिटिसाइज़ किया कि मोदी के मन में एमपी क्यों कह रहे हैं, शिवराज जी का नाम लेना चाहिए। लेकिन उनका मानना था कि जब लोकसभा के चुनाव में भी इसकी तैयारी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में, जो मैंने अभी कहा कि युवा भारत में जो एक विकास की लहर आ रही है, वो उससे वो भी वोट में परिणित होगा। कांग्रेस में इस तरह का कोई विजन नहीं दिखता है कि वो क्या चाहते हैं। केवल ये देना कि केवल उन्होंने 18 साल अच्छा काम नहीं किया, इसके आधार पर वोट मिलना थोड़ा मुश्किल है। आपको अपनी बात भी बतानी होगी कि आप उसको किस तरीके से बदलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी अपरिपक्वता साफ दिखती है। अब हमारे साथ हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान भी जुड़ रहे हैं। सीहोर भोपाल से लगा हुआ है और राजधानी की सर्दी गर्मी और यहाँ की हवा का पूरा प्रभाव सीहोर के ऊपर पड़ता है और सीहोर का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो
प्रदीप, आप कैसा है सीहोर और आपके आसपास के क्षेत्र के चुनाव नतीजे? सर, सीहोर का चुनाव का नतीजा एकदम से जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गया है, और पिछली बार भी ये 2018 के चुनाव में यहाँ के चारों जो सीटें सीहोर जिले की वो जो है भारतीय जनता पार्टी गई थी, और इस बार भी जो ये चुनाव था ये बहुत जबरदस्त चुनाव माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से वोटिंग दर वोटिंग राउंड दर राउंड आगे बढ़ते गए वैसे वैसे प्रत्याशियों की जीत की स्थिति साफ हो गई। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो सबसे हॉट सीट है बुधनी, वो सीहोर जिले में सम्मिलित थी, जहाँ शिवराज सिंह चौहान ने एक रिकॉर्ड बनाते हुए 1,05,082 मतों से विजय प्राप्त की है, और जो तीनों ही सीटें सीहोर से भारतीय जनता पार्टी के सुदेश राय ने 37,848 वोट से विजय प्राप्त करी है, आष्टा से गोपाल सिंह इंजीनियर ने 8,053 से विजय प्राप्त की है, और इछावर से सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा लंबे विधायक चुनाव जीतने वाले करण सिंह वर्मा जो पूर्व राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ से 16,642 मतों से जीत प्राप्त करी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो जीत है सीहोर जिला वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। प्रदीप जी, ये कहा गया था कि विक्रांत मस्तूल को कांग्रेस हनुमान बना के शिवराज सिंह चौहान के सामने लेके आई थी, लेकिन हनुमान जी के बराबर शक्तियां तो बहुत दूर की बात है, वो तो ढंग से अपनी ताकत भी नहीं दिखा पाए। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी जो एक मास लीडर बन गए, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने मामा के रूप में घर घर पैठ करी है, तो उनकी तुलना में विक्रम मस्ताल वैसा कुछ नहीं कर पाए, और यही कारण है कि जो घर घर के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने जो मामा का रिश्ता कायम किया है, उस मामा के रिश्ते की बदौलत है कि आज उन्होंने सीहोर जिले से इतनी रिकॉर्ड जीत हासिल की है, जिस जीत की शिवराज सिंह चौहान जी ने संकल्प लिया था सीहोर से। धन्यवाद प्रदीप, आपसे फिर आगे भी बात करेंगे। सतीश जी, इस चुनाव में गारंटियां एक शब्द जो है बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, मोदी की गारंटी, कांग्रेस की गारंटियां, लेकिन परिणाम देख के लग रहा है कि जनता ने कांग्रेस की 11 गारंटियों की तुलना में मोदी की गारंटी को स्वीकार कर लिया। असल में उन्होंने जो 11 गारंटी दी थी वो 11 घोषणाएं थी, और मोदी की गारंटी एक व्यक्ति की गारंटी है। व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं भारत को आर्थिक शक्ति बना दूंगा, तो पूरी दुनिया ने यह देखा कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ के भारत पांचवी आर्थिक शक्ति बन गया। भारत अपने फाइटर प्लेन अब खुद बना रहा है, जिसमें मोदी को उड़ते हुए जनता देखती खुली आंखों से। ये हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत विमान बनाएगा, भारत चंद्रयान की सफलता हम देखते हैं, तो जनता रिजल्ट फिजिकली वो देख रही है, सिर्फ घोषणाओं में नहीं, फिजिकली वो देख रही है। फिर जहाँ तक गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था और गरीबी बरकरार थी, अगर आप आंकड़ों को देखेंगे पिछले 10 साल में जो गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है जो गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। मेड इन इंडिया की जो बात, मेक इन इंडिया जो अभियान चलाया, और भारत का जो निर्यात है वो भी बढ़ा है, यहाँ तक कि खिलौने जैसी चीज़ में भारत का अब जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। तो एक सिर्फ एक विषय की बात नहीं है, सड़कों की बात करेंगे, पुलों की बात करेंगे, जब आप ये देखेंगे कि डेवलपमेंट दिख रहा है लोगों को, सड़कें दिख रही हैं, पुल दिख रहे हैं, बड़े बड़े भवन दिख रहे हैं, और अब हम इसमें ग्रामीण विकास की अगर बात करते हैं तो अब आप गाँवों में जाएंगे तो आपको कच्चे घर कम दिखते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ने लोगों की जिंदगी में बहुत बेहतरी लाई है, और उसमें किसी कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं है, मजहब के आधार पर नहीं है, जो गरीब है, पात्र है, उसको आवास बनाने के लिए पैसा मिला है। तो ये जो चीजें हैं इससे बदलाव दिख रहा है। स्वच्छता का जैसे अभियान हम बात करते हैं, कभी हम कल्पना नहीं कर सकते गांव में जाने की, नालियां बहती रहती थी, गंदगी दिखती थी, अब गांव भी साफ सुथरे दिखते हैं, शहर भी साफ सुथरे दिखते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर तो लगातार हम देखते हैं कि वो हर बार स्वच्छता में नंबर एक रहता है पूरे देश में। तो ये सिर्फ योजना भर नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन की भी बात है और उस पर लगातार मॉनिटरिंग की भी बात है। ये सरकार सिर्फ चुनाव लड़ते समय जो कहती है उसके आगे मॉनिटरिंग भी करती है, लोगों को इसका भरोसा हो गया है, तो उस भरोसे का नतीजा ये है। अब चलते हैं शहडोल, जहां से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे जुड़ रहे हैं वहां के ताजा हालातों के साथ। अरविंद, कैसी खबर है आपके यहाँ? आप बीजेपी तो जीत ही रही है, आपके यहाँ कैसी है जीत की स्थिति? संजय जी, शहडोल जिले की तीनों सीट बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी है, तीनों सीट पे बड़ी कामयाबी बीजेपी को मिली है। शहडोल जिले की जो जयसिंह नगर विधानसभा सीट है, वहां से मनीषा सिंह ने लगभग 38,000 से अधिक मतों से जीता है। इसी तरह जयपुर सीट, क्योंकि जयसिंह मरावी के लिए बड़ा
एक तरह से कह लीजिए कि बड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जयसिंह मरावी ने भी 31,000 वोटों से जीत हासिल की और छठवीं बार विधायक बने हैं। दो बार वो अनूपपुर जिले की कोतमा विधानसभा सीट से विधायक थे, फिर जैतपुर से दो बार रहे, ये तीसरी बार उनका है, और जयसिंह नगर से भी विधायक है। जिले की जो व्यवहारी विधानसभा सीट है संजीव जी, वहां से लगभग शरद जुगलाल कोल जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने 27,000 से अधिक मतों से अपने कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको रामलखन सिंह को हराया है। तो इस तरह शहडोल जिला जो है वो बीजेपी के लिए बड़ा शुभ साबित हुआ है। तो हम लोग क्या ये मान के चले अरविंद की शहडोल में लाडली लक्ष्मी तो चली, इसके अलावा और क्या वजह आप देखते हैं इस तरह की जीत की? देखिए शहडोल में संजीव जी लाडली लक्ष्मी का व्यापक असर दिखा, क्योंकि 70% जो पुरुष वोटर थे वहीं 83% करीब महिला वोटरों ने कई जगह मतदान किया। जिले का जो एक रेशियो निकला उसे तो ये माना जा रहा था कि जो महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा वोट मतदान में वो कहीं ना कहीं लाडली लक्ष्मी का योजना का असर रहा। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज थी कि शिवराज सिंह चौहान शहडोल जिले के डेवलपमेंट को लेकर बड़ा शुरू से ही काम करते रहे हैं, क्योंकि स्थानीय विधायक उतने एक्टिव नहीं दिखते, तो शिवराज के प्रति यहाँ के लोगों के मन में एक कह लीजिए कि थोड़ी सी आस्था है या उस पर उन पर वो बहुत विश्वास करते हैं, और वो इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा भारत सरकार की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो बड़ा इफेक्टिव रही हैं, उसका भी काफी असर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे आना और उसका सीधा लाभ उन हितग्राहियों को मिलना, मैं समझता हूं कि ये बीजेपी के लिए एक एक बड़ी कामयाबी की छड़ी रही। धन्यवाद अरविंद, आप नजर रखिए, आपसे फिर आगे भी बात होगी, चुनाव परिणामों की समीक्षा हम आपके साथ फिर करेंगे। जैसे कि अरविंद बता रहे थे कि भारत सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने में जीत की एक बड़ी भूमिका है, तो हम इन रणनीतियों को जनता तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं। इस बहुमत के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे केंद्रीय नेतृत्व, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को आज हम सब लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद जो जनता ने लिया है, जनता को अभिनंदन के साथ आभार के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसके लिए पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद हम लोग लगातार हमारे मेहमान भी हम लोग भी बात कर रहे थे कि इतनी चुनाव परिणामों को आए हुए करीब 6-7 घंटे का समय हो गया और अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो लगता है कमलनाथ जी ने हमारी आवाज़ सुन ली है, उन तक आकाशवाणी की आवाज़ पहुंच गई है, और अभी हाल में उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है इस मुकाबले में मतदाताओं का फैसला स्वीकार करती है, आज विरोधी दल के नाते हम अपने कर्तव्य पर डटे रहेंगे, और उन्होंने भाजपा को जीत के लिए बधाई दी है, तो एक अच्छी बात है, सशक्त विपक्ष के तौर पे कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से महिलाओं के साथ अपने आप को भावनात्मक रूप से कनेक्ट किया, जोड़ा, चुनाव लड़ूं ना लड़ूं ऐसा भैया ना मिलेगा, बहनों का ख्याल रखने वाला, तो क्या इसने भी महिलाओं को आगे आके वोट डालने और अपने परिवार को भी भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया? निश्चित रूप से, हमारा समाज जो है भारतीय समाज वो मन से जोड़ता है और मन से टूटता है। शिवराज जी इस मामले में कामयाब रहे कि वो भावनाओं से अपने आप को जोड़ते रहे, केवल महिलाओं को ही नहीं, वो बुजुर्गों को भी, युवाओं को भी, सबको साथ लेकर चलते रहे, तो सब ने कहा नहीं इस बार नहीं, हर बार मामा, हर भाई भैया। और ये मामा और भैया का डायलॉग आप देखिए, हिंदुस्तान में एक चाचा नेहरू हुए, उसके बाद हिंदुस्तान में मामा या भाई के रूप में अगर कोई इस्टेब्लिश हुआ है तो शिवराज जी, और भी जगह होते हैं जैसे ममता बनर्जी को हम दीदी बोलते हैं या प्रणब मुखर्जी थे तो उनको हम दादा बोलते थे, लेकिन वो एक संबोधन था, ये एक मास अपील है कि साहब ये भैया हैं, ये मामा हैं। तो शिवराज जी इस मामले में बहुत कामयाब है, और मैंने आपसे पहले भी कहा कि उनकी विनम्रता उनको नीचे तक ले जाकर अपना बनाती है और ऊपर तक के लोगों को, उसकी वजह देखिए कि मोदी और शाह भी अपनी सभाओं में शिवराज जी को शिवराज जी ना बोल के मामा बोलते रहे कि मामा की लाडली बहना, तो ये असर दिखता है कि शिवराज जी कैसे मोहित कर लेते हैं।
आपने जो कहा, इवन उन्होंने जब राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो वहां उन्होंने कहा था कि मामा याद आएगा तो लाडली बहना तो याद आएगी आएगी। तो ये शिवराज जी का कमाल है। और आप देख लीजिए कि 2005 में जब वो सत्ता में आए और तब से लगातार उनको कभी दंभ नहीं रहा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो हमेशा आम आदमी बन के रहे। और जब 2018 में कुछ महीनों के लिए उनको सत्ता से अलग होना पड़ा, तब भी उनका डायलॉग था टाइगर अभी जिंदा है। तो टाइगर ने बता दिया कि ये चुनाव इस तरह से जीते जाते हैं, वरना जो लोग ये मान के चल रहे थे कि इतने साल से हो गए, अब चेहरा ऊब गया है, अब इनको सत्ता विरोधी हो गया है, और कई बच्चे तो ऐसे हैं उनके सामने पैदा हुए और उन्हीं को देख रहे हैं और पहली बार वोट करने जा रहे थे, तो उनके जेहन में या तो मामा के रूप में या भाई के रूप में, और इस तरह से उन्होंने पूरा इस रिश्ते को वोट में तब्दील कर दिया। अब तक के चुनाव परिणामों की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस को जितनी सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है उतनी भाजपा जीत चुकी है। मतलब कांग्रेस करीब 64 सीट के आसपास जीतना या बढ़ा दिख रही है और भाजपा 65 सीट अब तक चुनाव जीत चुकी है। हमारे साथ रतलाम से अदिति मिश्रा जुड़ रही हैं। अदिति काफ़ी समय से चुनाव गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। अदिति आप सुन पा रही हैं? जी सर। अदिति बताइए, कैसी है रतलाम की राजनीतिक सूरत? रतलाम में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जबकि जो आदिवासी आरक्षित सीट है वहां पर जय समर्थित जो पार्टी है उसके प्रत्याशी जीते हैं। अच्छा, जो भारत आदिवासी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के कमलेश्वर डोडियार हैं, उन्होंने 4,000 वोटों से जीत दर्ज की है। वो एकमात्र ऐसी सीट है जो भाजपा के पास नहीं गई है, बाकी चारों सीटों पर भाजपा ही है और कांग्रेस 0 पर है। तो जैसे ये भारत आदिवासी पार्टी एक तरह से नई पार्टी है, ज्यादा प्रचार प्रसार इसका मतलब प्रदेश में देखने को नहीं मिला, फिर भी वो एक सीट जीत पाने में सफल रहे, आप इसको कैसे समझती हैं? भारत आदिवासी पार्टी नई है, लेकिन इसके पीछे जो संगठन है जयस का, जय आदिवासी संगठन जो है, उन्होंने पिछले जिला पंचायत चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया था रतलाम में, और 4 सीटें उन्होंने जो सलाना क्षेत्र की है चारों सीटें उन्होंने जीती थी। इसके अलावा उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर भी काफी सीट जीती हैं, काफी सरपंच उनके जय समर्थित रहे हैं, और यहाँ पर कांग्रेस सेकंड नंबर है, बीजेपी ऐसा माना जा रहा है जो यूथ और महिला भाजपा के प्रति बाकी सीट पर जो फेवरेट वहां नहीं रहकर जय के समर्थन में गए हैं। शुक्रिया अदिति, आप नजर रखिए, फिर आपसे बात होगी। मनोज जी, दोनों पार्टियों की अगर हम प्रचार की तुलना करें भाजपा और कांग्रेस की, तो साफ अंतर नजर आता है। मुख्यमंत्री ने करीब 170 सभाएं की, प्रधानमंत्री खुद 12-13 सभाएं करके गए, अमित शाह ने बहुत सारी सभाएं की, और सारे कई मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और संगठन मंत्री लगातार चुनाव प्रचार में जुटे रहे, जबकि कांग्रेस की तरफ से देखें तो राहुल, प्रियंका या खड़गे के अलावा कमलनाथ, इवन इस बार दिग्विजय सिंह भी उस तरह से चुनावी सभाओं में सक्रिय नहीं देखे, संगठन के स्तर पे वो काफी सक्रिय थे। तो ये प्रचार का अंतर भी कहीं ना कहीं इस जीत के अंतर की वजह है। दरअसल भाजपा जो है आज अगर चुनाव जीत रही है, शाम तक परिणाम हो जाएंगे और 2 दिन में सरकार बन जाएगी, तब से वो अगले चुनाव के मूड में आ जाती है, और कांग्रेस आराम से बैठी रहती है, वो जब चुनाव का या कोई ऐसा अवसर आता है तब एक्टिव होती है, तो कई बार उसका भी उसको खामियाजा करना पड़ता है। दूसरा, आप देखेंगे जो हमारी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, कांग्रेस को अभी अपने संगठन में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत आन पड़ी है। अब वही पुराने चेहरे, वही घिसे पिटे चेहरे से अब कांग्रेस का उद्धार नहीं होने वाला है। और ये जो जितनी सीटें अभी आपको बढ़त में दिख रही, 64-65 सीटें कांग्रेस की, ये कांग्रेस की नहीं है बल्कि ये व्यक्तियों की है, उनकी अपनी लोकप्रियता की वजह से वो इतना लेकर आए। अगर पार्टी आती तो ये 164 होती, ये व्यक्ति की वजह से। अभी जैसे आपके ने अभी रतलाम वाले ने बताया कि भारतीय आदिवासी पार्टी ने एक सीट जीती है, लेकिन इस चुनाव में एक बड़ी खास बात जो दिख रही है, निर्दलियों का सुपड़ा साफ है। शायद परिणाम आ जाता है, एक आध कोई निर्दलीय आ जाए तो आ जाए, वरना 5-7 निर्दलीय बीएसपी एसपी सब आते थे, कहीं किसी का कोई रोल नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक संकेत है कि भाजपा ने पूरी तरह मध्यप्रदेश को अपने आप में संभाल लिया है और प्रदेश की जनता ने भाजपा को अपना कल्याणकारी सरकार के रूप में मान लिया है। प्रशांत, जैसे कि मनोज जी भी कह रहे थे कि निर्दलियों का सूपड़ा साफ हो गया, और हम देखें तो बागियों को भी जनता ने जमीन दिखाती है। बहुत सारे बड़े नेता थे जो बागी बन के अलग अलग पार्टियों से या निर्दलीय खड़े हुए थे, उनमें से भी कहीं कोई किसी तरह की नहीं दिख रहे, कई लोगों की जमानत भी जब्त हो गई है।
तो आप क्या देखते हैं, मतलब जनता ने बिल्कुल सही फैसला बागियों की उसमें दिया? बिल्कुल, और देखिए बागियों के साथ में आप देखिए बसपा और सपा का भी अभी तक कोई खाता नहीं खुला, कहीं कोई ट्रेंडिंग में भी नहीं, रुझानों में भी उनका नाम नहीं है। तो निश्चित रूप से अब जनता ने मन बना लिया है कि जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, और जो बागी हैं, देखिए जो बागी है वो अधिकतर उन्हें लगता है कि वो व्यक्तिगत रूप से इतने सक्षम हैं कि वो जीत पाएंगे, लेकिन कई लोग ये उनका भ्रम होता है और वो पार्टी और पार्टी के आदर्शों के कारण जीतते हैं। तो निश्चित रूप से इस बार उनको भी अपना अपनी बारे में जानकारी जो है वो दुरुस्त करना चाहिए कि वो एक पार्टी के कारण जीतते आए थे, ना कि अपने व्यक्तिगत करिश्मे के कारण। बागियों के लिए केवल भाजपा में नहीं, कांग्रेस में भी बागियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई है। अब जनता ये जानती है कि अगर कोई पार्टी है तो उसके जो प्रतिनिधि होंगे वो विश्वसनीय होंगे, न कि व्यक्ति। निश्चित रूप से सत्ता से बाहर के लोगों को कोई नहीं पूछा जाएगा, इसलिए उनको कहीं पर भी जगह नहीं मिली है। हम लोग अपने कार्यक्रम के चर्चा के अंतिम चरण में हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो विंध रीजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाल बहादुर तिवारी सतना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और यह क्षेत्र हमेशा से राजनीति में बड़ी अहम भूमिका में रहा है। तिवारी जी, आपके यहाँ क्या खबर है? सर, सतना में लगातार मतगणना जारी है, रुझान आने लगे हैं, जिसमें यदि हम देखें तो सतना और मैहर विधानसभा क्षेत्र की 7 सीटें हैं, जिसमें मैहर और सतना जिला है, जिसमें रेगांव से सर प्रतिभा बागरी भाजपा की 36,007 मतों से विजयी हो चुकी हैं, और इन्होंने कांग्रेस की कल्पना वर्मा को हराया है। वहीं सतना के कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा आगे बढ़ रहे हैं, और सांसद गणेश सिंह जो हुआ करते थे भाजपा के प्रत्याशी, वो पीछे चल रहे हैं। चित्रकूट में भाजपा आगे बढ़त बनाए हुए है। वहीं नागौद में नागेंद्र सिंह जो मंत्री थे, पूर्व में विधायक भी थे, वो बढ़त बनाए हुए हैं। मैहर से बीजेपी के श्रीकांत चतुर्वेदी लगभग जीत गए हैं, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं अमरपाटन विधानसभा सीट से कांग्रेस के राजन सिंह बढ़त बनाए हुए हैं, और रामपुर बघेलान से भाजपा के विक्रम सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सतना में इस बार मजेदार बात यह रही कि सर राज्य मंत्री सांसद और भाजपा कांग्रेस के 6 विधायकों समेत 124 दावेदार चुनाव मैदान में थे, तो यह क्षेत्र बहुत ही दिलचस्प रहा है, जिसमें वर्षों की राजनीति करने वाले भी कहीं ना कहीं इस बार पीछे रह गए हैं, और सरकार की नीतियों के आधार पर जो मतदाता थे उन्होंने अलग हटके ही एक निर्णय लिया है। सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए उन्होंने विकास के साथ साथ में सरकार की योजनाओं को भी महत्व दिया है। सर शुक्रिया लाल बहादुर तिवारी जी, आप नजर रखिए, आपसे फिर बात करेंगे। मनोज जी, चुनाव परिणाम बिल्कुल अब स्पष्ट हो गए हैं, साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा 165-166 सीट पर जा रही है, कांग्रेस 63 सीट के आसपास सिमट जाएगी, और एक सीट जो जैसे कि रतलाम से हमारी प्रतिनिधि बता रही थी कि वहां गई है। तो अब आगे क्या, इसके बाद क्या? इसके बाद सरकार बननी है, लेकिन इसमें एक बहुत साफ मैसेज गया है कि जो डबल इंजन सरकार की बार बार बात की जाती है वो सक्सेस रही, वो सफल रही, उनकी रणनीतियाँ सफल रही। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर और सुदूर अंचलों में, आदिवासी अंचलों तक में इसका फैला हुआ है, लोगों ने लाभ लिया है, और लोगों ने अब भरोसा जताया कि अगर ये सरकार रहती तो हमें खाने से लेकर मकान से लेकर रोजगार से लेकर हर मोर्चे पर हमें एक विश्वास मिलेगा, और ये विश्वास ने इस रिजल्ट को यहाँ तक पहुँचाया है, और ये विश्वास शिवराज जी के प्रति है, और मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसने इसको परवान चढ़ा है, और इन दोनों के बीच में शाह जो हैं उनकी रणनीति, और इन तीनों ने मिलकर जो एक रचा है इतिहास, वो अपने आप में अनोखा है। प्रशांत, मुख्यमंत्री चुनने का काम तो विधायकों का है, पार्टी आलाकमान का है, लेकिन अगर हम अपनी बातचीत के क्रम में बात करें तो आप क्या देखते हैं, अब आगे क्या? मुझे लगता है कि पार्टी जो है वैसे तो ये उनका काम है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो शिवराज सिंह के ही साथ रहेंगे, क्योंकि अभी वो एक लोकप्रिय चेहरा है, और कहीं ना कहीं उनकी जो योजनाएं थी उन्हीं के कारण ये परिणाम सामने आए हैं। मुझे लगता है संजीव जी न केवल लोकप्रिय चेहरा है बल्कि विश्वसनीय चेहरा है, और पूरे प्रदेश में 1,00,000 से ऊपर वोटों से जीत कर उन्होंने बता दिया है कि अब कोई नहीं टक्कर में, न पड़ो चक्कर में।
आपका वोट आपकी सरकार, इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े थे। हमने अपने विशेषज्ञों के जरिए, अपने संवाददाताओं के जरिए प्रदेश की राजनीति को, चुनाव परिणामों को और इसके बाद आगे की रणनीति को समझने का पूरा प्रयास किया। फिर आगे किसी कार्यक्रम में आपसे इस तरह की चर्चा होगी। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका वोट आपकी सरकार, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम आपने सुना। ये कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था।